button. Yes, this is a computer. This is a man-made machine. Right? The name of this machine is computer. A computer works on electricity. Computer कैसे चलता है? Electricity से चलता है. Right? चलो. Turn on your face. Computer a smart machine. Side में आपको दिया है no more. Machines are made by men. So they are called man-made machines. Machine है वो किसने बनाया है? इंसान ने बनाया है. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं? Man-made machines. Right? Children, computer is a smarter machines than other machines. Computer दूसरे मशीन से वर्क करने में स्मार्ट मशीन है. This because it allow you to do many tasks on it like we use it for. कंप्यूटर को हम जो भी टास्क दे वो कंप्यूटर कर सकता है. सबसे पहले क्या करेगा? लर्निंग न्यू थिंग्स. लर्निंग न्यू थिंग्स हमें कंप्यूटर में से कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है. Doing calculation. हमें कुछ calculation करने हो, addition, subtraction, multiplication तो हम computer में कर सकते हैं. Drawing and coloring. हम drawing and coloring भी कर सकते हैं. Playing games. हमें कुछ games प्ले करनी है तो वो भी कर सकते हैं. Watching movie. हमें कुछ movie देखना है तो भी. चल आज मुझे बाहर नहीं जाना है, घर पे बैठ के मूवी देखते हैं तो मैं कंप्यूटर में घर पे बैठ के भी मूवी देख सकती हूँ. अगर आज मुझे म्यूजिक सुनना है तो मैं कंप्यूटर में म्यूजिक भी लिसनिंग कर सकती हूँ. है तो ये सब क्या है जो हम कंप्यूटर में वर्क कर सकते हैं वो हमें सब. चलो लुक एट द फॉलोइंग इमेज एंड इन सर्कल फॉर्मसिंग that work on electricity. देखो, ये आपको एक पिक्चर दिया है, उसमें जो जो मशीन इलेक्ट्रिसिटी से वर्क करते हैं, उसमें आपको सर्कल करना है, राइट? ये आपको होमवर्क पे करना है. चलो, कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन. ह्यूमन और कंप्यूटर में क्या क्या डिफरेंस है? As you have learned that computer can do many tasks, so it is a very useful machine. Let us know some characteristic of computer that make it different from human. Human or computer में क्या क्या difference है? चलो let's see देखते हैं हम. A computer can store a large amount of data in it and never forget it. अगर हमें कोई बड़ी books को याद रखना है तो computer इसीलिए याद रख सकता है और वो कभी भी भूलता नहीं. चलो ये कंप्यूटर का था. अगर ह्यूमन में ये कैसे होता है? और ह्यूमन आल्सो कैन कीप मेनी थिंग्स इन हिज ब्रेन बट नॉट ऑल देन अ कंप्यूटर. ह्यूमन भी कई सारी थिंग्स को याद रख सकता है लेकिन कंप्यूटर जितनी याद नहीं रख सकता है. समटाइम्स अ ह्यूमन मे फॉरगेट द थिंग्स. समटाइम्स कभी ह्यूमन भूल जाता है लेकिन कंप्यूटर नेवर कैन फॉरगेट. कंप्यूटर कभी भूलता नहीं है. चलो फेस को टर्न करो. अब कंप्यूटर के बारे में. अब कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक. कंप्यूटर में कोई भी मिस्टेक्स नहीं होती है. जैसे कि हमने एग्जांपल दिया था 2 + 2 = 4. अब ह्यूमन कैन मिस्टेक. अगर हम कभी जल्दी जल्दी में सम्स कर रहे हैं तो हमें कभी मिस्टेक हो सकती है. देखो उसने एग्जाम्पल दिया है 2 + 2 = 5. 5 इज अ रॉन्ग आंसर. चलो अ कंप्यूटर नेवर बिकम्स टायर्ड एंड कैन डू मेनी टास्क एट अ टाइम. अब देखो कंप्यूटर की कभी भी कई सारा वर्क है तो कभी थकता नहीं है. A human may become tired after doing some work and needs to rest. हम human कभी कभी work बहुत ज्यादा करते हैं तो थक जाते हैं तो सो जाता है लेकिन computer की इसको requirement नहीं
playing game. A computer works faster than the human. Computer हम human के mind से ज़्यादा speed से चलता है. A human also can work fast, but not more than a computer. देखो हम human की work करते हैं, लेकिन computer जितना जल्दी और fast work नहीं कर सकते. Children, now you are thinking that a computer is a superior to a human, but this is not true. Let us know why. चलो, पहला आपने क्या देखा कि computer और human में क्या differences है, right? अब हम देखेंगे human और computer में अब क्या हम human कर सकते हैं जो computer कर सकता नहीं है. Computer can do many tasks, but cannot be called superior to a human. देखो computer कई सारा work कर सकता है, लेकिन हम उसको human जितना अच्छा नहीं कह सकते हैं. Why? क्योंकि computer है वो कभी food नहीं खा सकता है, कभी water drink नहीं कर सकता है, कहीं पे घूमने नहीं जा सकता है. But चलो let's see. A human is food to live. ह्यूमन को लेने के लिए फूड का लेना बहुत ही जरूरी है. अ कंप्यूटर डज नॉट ईट फूड, इट वर्क्स ऑन इलेक्ट्रिसिटी. कंप्यूटर को फूड की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको किसकी रिक्वायरमेंट होती है? इलेक्ट्रिसिटी की, राइट? अ ह्यूमन कैन थिंक एंड टेक हिज ओन डिसीजन, लाइक इफ इट इज अ रेनी कैन ही यूज एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम रेन. देखो हम लोग आते वो हमारा डिसीजन को छीने ना हो तो हम अपने आप ले सकते हैं, हमें किसी की परमिशन लेनी नहीं पड़ती है. जस्ट फॉर एग्जाम्पल कि रेन आ रहा है तो हमें रेन से प्रोटेक्ट होने के लिए अम्ब्रेला का यूज करना है, लेकिन कंप्यूटर पर खुद का डिसीजन खुद नहीं ले सकता है. उनको जितनी हम इंस्ट्रक्शन दे उतना ही वो वर्क करता है. A computer cannot think, so it does not work on its own. It obeys the instructions given by the human. जैसे कि मैं बताया कि कंप्यूटर अपने आप काम नहीं कर सकता, हम उनको जितना चलाएंगे उतना ही वो वर्क करेगा. A human has a feelings when it is injured, he feels it. Human होते हैं उसमें हमें फीलिंग होती है, जैसे कि स्माइलिंग, क्राइंग, लाफिंग, ये सब हमारी फीलिंग है. तो इसमें क्या एग्जाम्पल दिया है, ये इज एन इंजर, उसे कुछ लग गया है पैर में तो उसको फील होता है कि मुझे कुछ लग गया है. अ कंप्यूटर डज नॉट हैव एनी फीलिंग, कंप्यूटर को कोई फीलिंग्स होती नहीं है. लेकिन ये भी इट डज नॉट रिएक्ट, हम उसको कुछ हमें लग जाता है कंप्यूटर को तो उसे कुछ फीलिंग नहीं है, इसलिए कंप्यूटर क्राई नहीं करता है, right? चलो तो हमने क्या देखा कि कंप्यूटर एंड ह्यूमन, ये हमारा फर्स्ट टॉपिक था. फिर सेकंड क्या था, ह्यूमन एंड कंप्यूटर. जो पहला वाला टॉपिक था उसमें क्या था कि ऐसा कंप्यूटर ने किया है जो ह्यूमन में नहीं है, और हमारा सेकंड पॉइंट था ह्यूमन ने ऐसा किया है जो कंप्यूटर में नहीं है, राइट? तो आप सभी को ये पूरा चैप्टर इस वीडियो में देख लेना रहेगा. जब हमारा नेक्स्ट लेक्चर आएगा जूम में तो आपको कुछ भी समझ में ना आए तो आपको मुझे पूछ लेना है, राइट? तब तक आप सभी को ये कंप्यूटर वर्सेस ह्यूमन एंड ह्यूमन वर्सेस कंप्यूटर ये एक बार वीडियो पर लेना है कि कंप्यूटर के यूजेस क्या है, वो भी आपको एक बार देख लेना है. सो आपको समझ में आ गया होगा आई होप. चलो तो आज का लेक्चर मैं यहीं पे कंप्लीट करती हूँ. इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू. थैंक यू.